वेट, ये मोबाइल रख लो, पेपर हो जाए तो कॉल कर लेना मुझे, मेरा नंबर भी सेफ, 0000 पासवर्ड, ठीक है? और सुनो, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कल तो तुम्हारी शादी थी ना? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि हमें क्यों नहीं बुलाया और शादी के अगले दिन ही आ गई? लगता है शौहर ने जबरदस्ती भेजा. कैसे हैं दूल्हा भाई? एक मिनट. हमजा कैसा है? मर गया हमजा. ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे निकाह के बाद मेरा भाई रहा ही नहीं. तुमने जीते जी उसे मौत के मुंह में उतार दिया. मुझे खुद बताओ मैं क्या करती? कुछ भी करती मगर ये ना करती जो तुमने किया. तुमने जीते जी मार दिया उसको. तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया? होश में आते ही उसने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया. और तुमने क्या किया? सब कुछ भुलाकर इतनी आसानी से उस अंकल से निकाह कर लिया. अब तुम याद रखना दूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि पूरा कॉलेज देखेगा. पूरे कॉलेज में मैं तुम्हें बदनाम करूंगी. गालियां देंगे सब तुम्हें तुम्हारी बेवफाई. मैं तुम्हारी जितनी अच्छी दोस्त थी अब उससे भी बुरी दुश्मन बन के दिखाऊंगी. अब तुम याद रखना दिलनशी, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि पूरा कॉलेज देखेगा. मैं तुम्हारी जितनी अच्छी दोस्त थी अब उससे भी बुरी दुश्मन बन के दिखाऊंगी. दिलनशी, कैसा हुआ है पेपर? दिलनशी, पेपर कैसा हुआ? सब तैयारी ना हो तो पेपर ब्लैंक ही रह जाता है. मैं कुछ नहीं लिख सकी. चलो क्या कह सकता हूँ, बाकी पेपर्स की तैयारी करो अच्छी तरह से, ये नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लेना. मैं इस साल पेपर्स नहीं देना चाहती, नेक्स्ट ईयर दे दूंगी. अप टू यू, मतलब मुझे क्या इशू होगा इस हवाले से. तुम जैसा बेहतर समझो वैसे करो. ओके Thank you.
क्या खाओगी? सोचा? कुछ नहीं, बस घर चलते हैं। Don't do this, Dilnashi. तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, जो आपकी मर्जी। Okay, ब्रेकफास्ट मंगाते हैं। मैंने भी कुछ नहीं खाया। पैनकेक्स? Excuse me. मेमल, क्या बात है, आज तो अपने हस्बैंड को भुलाई बैठी हो। याद करने के लिए वो है ना, फोन कर करके तंग कर देते हैं मुझे, इसीलिए फोन घर छोड़ा ही। तभी तो इतने सुकून से बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी है? I'm surprised. एमएल इन सब ने आज पूरा दिन हमारे नाम कर दिया। ऐसी गलतियां करती रहती हूं मैं, सरप्राइज कैसा? कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? बस हो गया। अच्छा सारा, क्या बातों में लग गई हो तुम लोग, जाओ नई दुल्हन है उसे ले जाके तैयार करवाओ। सुबह से ये सफेद रंग देख देख के मेरा दिल बोल रहा है। अरे चल जाओ बेटा। अरे तुम कहाँ चली? सारा है ना उसके साथ। ताई अम्मी, एक ही तो ख्वाहिश है मेरी कि हैदर की बीवी को अपने हाथों से सजाऊं। मानता ही नहीं था शादी के लिए, अब तो मान गया ना। देर से अकल आई पर आ तो गई। उसको भेजूंगा। सुने मेरी बात, कर लेने दे उसको अपने अरमान पूरे, मेरी बीवी को तैयार करके। आप परेशान मत हो, आइए। सुबह से अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा कजिन? इससे पूछ रही हूं, कैसा लगा तुम्हें हैदर? अच्छे हैं। अच्छा तो वो बहुत है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हें कितना अच्छा लगा। मेमन, क्यों मेरी भाभी को कंफ्यूज कर रही हो? इसमें कंफ्यूजन कैसी, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो हस्बैंड कैसा है। तो क्या गिफ्ट दिया उसने तुम्हें मुंह दिखाई में? भूल गया। वाकई भूल गया। पर तुम बहुत अच्छी कजन, तुमने मुझे याद करवा दिया। एक्चुअली मेरी बेबी इतनी खूबसूरत है कि उसे देख के सब कुछ भूल गया। अच्छा है ना मुझे दिखाई की? बहुत प्यारा है।
भाई बहुत ब्यूटीफुल है और दिलनशी पे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक्सक्यूज मी, तो ये भी है। सुनो, इनमें से कौन सा सेट है जो तुमने मुझे प्यार से दिया था? मैंने तुम्हें सिर्फ अपना नाम दिया है। ये सब तुमने मेरे नाम को कैश करवा के लिया है। और कैश से ली हुई चीज में सिर्फ पैसा खर्च होता है, प्यार का कोई ताल्लुक नहीं होता उससे। हैदर के घर जाना छोड़ दो, वो न्यूली वेड कपल है, उनका रोमांस देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। खराब तो दिल हो रहा है मेरा तुमसे। अच्छा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो बताओ कब दूं तुम्हें आजादी का परवाना? मैं जानता हूं महमिल, तुम मुझे बहुत आराम से छोड़ दोगी। तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? नहीं छोड़ सकती। इसलिए बेहतर होगा कि सोचना छोड़ दो, ताकि तुम्हारी और मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सके।
चले भाई नाश्ता तैयार है। हाँ। हमजा बेटा क्या हो गया है तुम्हें, देखो अपने आप को जरा, क्या से क्या हो गए उसकी मोहब्बत में, और उसने तो एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि तुम किस हाल में हो गए। मजे से अपने शौहर के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गई है और तुमने अपनी ये हालत बना ली। क्या हो गया कुलसुम? आप ही बताएं, देखें इसकी हालत। वो पहले इतना परेशान है और तुम उस लड़की की बातें करके उसको और हर्ट कर रही हो। बेटा भूल जाओ सब कुछ, ठीक है? स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, किसी नए मुल्क, किसी नए शहर में, पॉसिबल? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बेटी की खुशी के लिए हर वो चीज करूंगा जो चाहे, मैं सब अरेंज कर देता हूँ, ठीक है? दिलनक्शी बेटा, दिल लगा घर में तुम्हारा? जी। ख्याल रखता है हैदर तुम्हारा? वैसे हीरे जैसा दिल है मेरे बेटे का, बहुत ही ख्याल रखने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, चाय पियेंगे? श्योर। मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठ जाओ, नूरी या शबनम ले आएगी। तो मैं बोल के आ जाती हूँ। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है तुम दोनों के दरमियान? मैं नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ बहू कुछ बुझी सी है, और तुम उसके पास आकर बैठते हो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उठ के चल देती है, कोई बातचीत भी नहीं होती तुम दोनों के दरमियान। मुझे लगता है थोड़ी रिजर्व और माहौल का भी बड़ा फर्क पड़ता है। उनके घर का अलग था, हमारा अलग है, और इसकी वालदा की तबीयत से भी आप वाकिफ हैं। बट आई एम श्योर थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट कर लेगी। आओ, चाय का कह दिया मैंने, फूले आएंगी। थैंक यू। अरे हाँ, आज सारा आई थी, कह रही थी कि आसिम तुम दोनों के लिए हनीमून प्लान करना चाह रहा है। ये बताओ कहाँ जाना चाहोगी तुम? जी मैं नहीं अभी बिल्कुल नहीं, मैं अभी तो मैं नहीं जा सकता, बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर चला गया तो बहुत लॉस होगा मेरा। अरे बेटा काम तो हर वक्त चलता ही रहता है, अब शादी हुई है, जरा घूमो फिरो, एंजॉय करो, बस तुम्हें तो अब भी दफ्तर की पड़ी है। माँ, मैटर ऑफ फ्यू डेज, हो गई है शादी, चले ही जाएंगे, कौन सा इशू?
थैंक यू, थैंक यू आपने जो भी अभी मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं, फेवर चाहिए। वो भी अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। इस दुनिया में अपनी माँ की खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और उन्होंने हमारी ये शादी बड़ी खुशी से करवाई है। मैं नहीं चाहता कि उनको ये लगे कि तुम खुश नहीं हो मेरे साथ, या तुम्हारे और मेरे दरमियान या बीवी वाले कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए प्लीज कम से कम माँ के सामने स्ट्रेंज बिहेव मत करो, थोड़ा सा एक्ट कर लो, उन्हें लगे कि तुम खुश हो मेरे साथ। मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया है किसी भी चीज के लिए, ना आइंदा करूंगा, पर सिर्फ अपनी माँ की खातिर तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ उनके लिए। That is it. वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा आओ। हाय। लगता है खूब शॉपिंग हुई है। हाँ, क्या लाएं? ये देखिए। ओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा भाई, मानना पड़ेगा चॉइस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। ये मैंने पसंद नहीं किया, ये इन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। इन्होंने? हाँ भाई, अच्छे घरानों में शरीफ लड़कियां शौहर का नाम नहीं लेती। कल रात को डिनर पे आसिम और शायद भी बहुत मजाक कर रहे थे दिलनशीन के इन्हों कहने पे। मजाक तो तुम उड़ाया करते थे, ऐसे कपल्स का जो एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते थे। दिलनशीन, और अच्छा लगता है मुझे जिस तरह दिलनशीन मुझे पुकारती है। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रहे। सुनो जी, साहब आ गए? वो तो काफी देर पहले ही आ गए थे। नेक्सी में? जी।
अंसब। What rubbish? इन जैसी लड़कियों के सामने अपनी बीवी तुम्हें रबिश लग रही है। मैमल, behave yourself. अपनी गेस्ट की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे इतने सालों से तुम्हारी बेवफाई और जो बेहयाई मैं बर्दाश्त कर रही हूं उसका क्या? तुम इस वक्त होश में नहीं हो, जाओ अपने कमरे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी। जो तुम्हारी जरूरत है अंसर, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारे वक्त की, बीवी हूं मैं तुम्हारी। आई थिंक आई शुड लीव अंसर। नो नो लीजा, वेट, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, अभी और इसी वक्त बात होगी। तुम यहां क्यों खड़ी हो? निकलो मेरे घर से, निकलो। व्हाट इज दिस अंसब? मेहमल, हाथ छोड़ो इसका। नहीं छोड़ूंगी, निकलो मेरे घर से, निकलो। हाथ छोड़ो इसका। मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा तुमने। तुम जाओ, कल बात करेंगे हम। इधर म्यूजिक लगाओ ना डार्लिंग, लेट्स पार्टी। देखता हूँ तो एहसास होता है कि तुम्हें चाहने के लिए जिंदगी काम है। एक बात कहूँ, अगर जिंदगी में कहीं मैं तुमसे आगे निकल गई तो? नहीं होने दूंगा ऐसा। और अगर ऐसा हो गया ना तो जब भी दिल करे लौट आना, मुंतजर पाओगी। तेरे बिना ही सुकून जिंदगी में कहीं भीगू, जरा है दिल पंजर मेरा। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से हो, वो मिला क्यों था? अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था? कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए। डरना नहीं, ओके मामा? हाँ, आपके साथ नीचे वाले बैठ दूं गए। मेमल,
छोड़ आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ मैं उसे। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या। मैं छोड़ आई हूँ उसे, तंग आ गई थी मैं उसे। चलो ना हितेश, तुम और मैं वही कहानी फिर से शुरू करते हैं जिसे मैं अधूरा छोड़ गई थी। तुम और मैं, तुम्हारी छोड़ी हुई अधूरी कहानी है, अधूरी नहीं रही, उसे किसी और ने पूरा कर दिया। जिंदगी नहीं रुकती, बहते पानी की तरह नए झरने की तलाश में आगे बढ़ती रहती। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। दिल नशीन मेरी जिंदगी का मरकजी किरदार बन गई और तुम्हें जैसे सानवी कर दिया। झूठ झूठ बोल रहे हो ना तुम। तुम्हारा चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि तुम उसी मोड़ पे खड़े हो जहां मैं तुम्हें छोड़ कर गई थी। जो दर्द मैं सह चुका, उस तकलीफ को दोबारा बर्दाश्त करने की हिमाकत नहीं होगी मुझसे। झगड़ा हुआ तुम्हारा शोर से, जज्बाती हुई भी हो इस वक्त होता होता। जब नए रिश्ते तकलीफ देते हैं तो पुराने ताल्लुक याद आते हैं। वक्त ही ऐसे भूल जाओगी, लौट जाओगी। नहीं है हितेश, मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी कश्तियां जला कर है। तो मेरी तरफ तू देखो, रात हो गई, मुझे सुबह करेंगे। तमन्ना क्यों अगर वो ही मेरा ना था, हो मेरे इश्क पर खुदा मेहरबान, खुदा मेहरबान। सो जाना आराम से, शाबाश मामा, स्लीपर्स निकाल देंगे। ओके चलो ठीक, जाओ शाबाश, सुबह फिर मिलते हैं। Good night. तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे दिल से मेरे नक्श मिटे नहीं है। इस कमरे की एक एक चीज में मेरे लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जुनून साफ साफ नजर आ रहा है। पता चल रहा है कि तुम्हें आज भी मेरी पसंद नापसंद की कितनी परवाह है। इसलिए अपने दिल की तरह, अपने घर में भी मेरे लिए कमरा बना रखा था। ये घर मैंने शादी से बहुत पहले बनाया था, अगर शादी के बाद बनवाता यहाँ पे एक चीज दिल नशीन की मर्जी की होती। ईश्वर को तुम्हारी जरूरत है, हल करो उसका। गुड नाइट। तुझे जाना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझे में वो लगन बाकी तो है।
दर्द का था शायद मुझे आखिर बिखरना था तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा मैं से छोड़ आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ मैं तंग आ गई थी मैं चलना है फिर तुम और मैं वही कहानी फिर से शुरू करते हैं।